नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे जो आंसर्स रिवाइज्ड की के यहाँ पे जो प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग नए होंगे इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पर जो रिवाइज आंसर्स के लिए यहाँ पर निकाली गई है। तो नीचे में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेस विज्ञप्ति में यहाँ पे जो बोला गया कि संयुक्त सहायक अभियंता असैनिक यांत्रिक सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना। तो यहाँ पे आपका सिविल या फिर मैकेनिकल वालों के लिए जो एग्जाम होता है उसी के संबंध में आपको यहाँ पे सूचना यहाँ पे दी गई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोला गया कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 19/1/2020 को आयोजित संयुक्त सहायक अभियंता सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का मॉडल उत्तर आयोग की वेबसाइट पर यहाँ पर जारी कर दी गई थी। जो यहाँ पे 19/1/2020 को जो यहाँ JPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो मॉडल या आंसर्स की है आपको 7 फरवरी को जो यहाँ पे रिलीज की गई थी, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसका विरोध किए थे कि जो इसका जो आंसर्स की था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर गलत आपको यहाँ पर शो किए गए थे। तो उसी के अनुसार यहाँ पर जो है अगेन यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे आपका रिवाइज्ड आंसर्स की आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई JPSC के उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं जो इसका रिवाइज्ड आंसर यहाँ पे आपका निकाला गया है। ठीक है, तो नीचे में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अनुसार यहाँ पे जो बोला गया कि पेपर 1 जनरल स्टडीज़ के लिए, तो जनरल स्टडीज़ के लिए यहाँ पर आपका जो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर नहीं विरोध किया था उसी के अनुसार यहाँ पे देयर इज़ नो रिवाइजेशन यहाँ पे बोला गया कि ये देयर इज़ नो रिविजन। तो यहाँ पे आपका जनरल स्टडीज़ के लिए आपका कोई भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे नहीं दिए गए थे। ठीक है, तो उसके अगर आप या सिविल या फिर मैकेनिकल से आप अप्लाई किए होंगे और उसका एग्ज़ाम अगर आप दिए होंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रिवाइज्ड आंसर्स के लिए यहाँ पर दी गई। तो जो लोग यहाँ पे पेपर 2 यानी कि अगर सिविल इंजीनियरिंग से अगर पेपर 2 से अगर आप एग्ज़ाम दिए थे तो उसका यहाँ पे जो क्वेश्चन सीरीज 1 में दिए थे और या फिर सीरीज 2 या फिर सीरीज 3 या फिर सीरीज D, तो ये आपका सीरीज के अनुसार आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें आपका क्वेश्चन 1 के लिए आपको यहाँ पे जो सी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताया गया था एंड 2 के लिए ए ऑप्शन बताया गया था एंड 10 के लिए जो है ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट। तो जो जो लोग यहाँ पे सीरीज A में अगर जिसका क्वेश्चन 10 यहाँ पे सभी यहाँ पे जो ऑप्शंस पूछे गए थे उसमें आपको टोटली आपको यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे दी गई थी, तो जो टोटल वहाँ पे आपका गलत यहाँ पे बताया गया था, तो उस कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे 2 मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोला कि ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट 2 मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल, तो सभी स्टूडेंट को आपको 2 मार्क्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन 10 के लिए आपको यहाँ पे दी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 28 के लिए भी आपको यहाँ पे दी गई है। इसी तरह से आप जो है 71 या फिर 87, 91 या फिर 91 इसके अनुसार आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप किस सीरीज 1 के लिए या फिर सीरीज 2 या फिर सीरीज 3 या फिर सीरीज 3 किस में आपको जो एग्ज़ाम दिए थे उसके अनुसार से आप यहाँ पे क्वेश्चन वाइज आप चेक करके से देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको कितने सारे मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिविल के लिए और यह नीचे में आपको मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे दी गई। तो जो लोग यहाँ पे मैकेनिकल पेपर 3 से पेपर 2 के लिए यहाँ पे अगर दिए थे रिवाइज्ड की जो यहाँ पे अपलोड की गई है तो आपका सीरीज 1 यहाँ पे दी गई है, सीरीज 2, सीरीज 3 एंड सीरीज 3, तो आप किस सीरीज से आप एग्ज़ाम दिए थे तो यहाँ से आपका उसका करेक्ट ऑप्शन से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट में आपका 8 नंबर के लिए यहाँ पे दी गई, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बोला कि ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, तो जो भी आपका ऑप्शन दिया गया था क्वेश्चन 8 में आपका टोटली आपको जो है गलत वहाँ पे दी गई थी, तो उसके लिए आपको जो मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल, तो आपको 2 मार्क्स जो है सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन 8 के लिए आपको जो है 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। उसी तरह से आप जो है 12 नंबर के लिए क्वेश्चन A जो है राइट आंसर था, 25 के लिए C एंड B था एंड 28 के लिए B एंड D, तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे टोटली आपको यहाँ पे शो कर दी गई कि किस सीरीज से आप जो है एग्ज़ाम यहाँ पे दिए थे उसके अनुसार जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसका कौन सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिसप्रिंट था गलत दी गई थी उसी के अनुसार से इसका रिवाइज्ड आंसर्स की आपको यहाँ पे निकाली गई। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसका आंसर्स की, ठीक है, या फिर ग्रुप B या फिर ग्रुप C या फिर ग्रुप D जिसमें भी आपका एग्ज़ाम हुआ होगा। ठीक है,